तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां संसद परिसर से तमाम सांसद बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए। अब प्रोटेस्ट मार्च यहां पर शुरू किया जा रहा है। विपक्षी दलों के सांसद अब संसद भवन से लेकर ईडी तक कूच करने की तैयारी में है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इसी प्रोटेस्ट के तहत ये मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि ईडी ऑफिस तक जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ना तो इसकी परमिशन दिल्ली पुलिस से ली गई है और ना ही पुलिस ने इसकी इजाजत दी है, जिसके लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अभय, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से विपक्षी दल इसमें इस मार्च में है, कितने दल इसमें शामिल है, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक यही जानकारी है कि 16 विपक्षी दल जो हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है। बाकायदा एक बैठक हुई है और उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि अडानी का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से विपक्षी दलों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, टारगेट किया जा रहा है, और इसी को लेकर इन लोगों ने प्लानिंग की है कि आज ये सीधा ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसको लेकर पहले भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है विपक्षी दल लगातार पार्लियामेंट में करते रहे हैं और अभी यहाँ की तस्वीरें अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि विपक्षी दल के जो लोग हैं अभी धीरे धीरे तस्वीरों में दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर जो है जो यहाँ के विपक्षी दल के सांसद हैं इन बसेस के पीछे की तरफ से अभी कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, और अभी जो ये मार्च है वो तस्वीरें विजय चौक पर दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं विपक्षी दल के नेता और हाथों में उनके बैनर पोस्टर हैं, ईडी के दुरुपयोग की बातें लिखी हुई हैं उन बैनर पोस्टर में, बसेस के पीछे हैं और कुछ ही देर में पहले बैरिगेट तक ये जो विपक्षी दल के नेता हैं ये पहुंचेंगे। हालांकि प्लानिंग इन लोगों की यही है कि ये लोग ईडी दफ्तर तक जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जो फोर्सेस हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में पहले बैरिगेट से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आप देखिए सामने की तरफ जो आखिरी बस है वहां से अब ये मार्च जो है आपको नजर आ रहा होगा। हाथों में बैनर पोस्टर हैं और करीब 16 विपक्षी दल यहां पर बताए जा रहे हैं जो हाथों में तख्तियां लेकर अपना मार्च शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये मार्च जो है प्लानिंग तो ये की गई थी कि ये लोग जनपद रोड पर ईडी का जो नया दफ्तर है वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि ईडी दफ्तर तक जाने की परमिशन नहीं है, किसी तरह की परमिशन विपक्षी दल ने जो लॉ फोर्सेस हैं उनसे नहीं ली है, इसी वजह से इन लोगों को यहीं पर रोक दिया जाएगा। पहले अंदर प्रोटेस्ट किया गया और अभी जो विपक्षी दल के तमाम जो सांसद हैं वो हाथों में अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए बैनर पोस्टर लेते हुए विजय चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, पहली बैरिगेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बैरिगेटिंग पर ही आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला पुलिस यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, तो इस बैरिगेटिंग के आगे किसी भी सूरत हाल में इन विपक्षी दल के नेताओं को जाने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो इस मार्च की को लीड कर रहे हैं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। तो 16 विपक्षी दल आज ईडी के दफ्तर तक ये मार्च करने हैं, संसद से ये पूरा मार्च निकल गया है, विजय चौक तक ये मार्च अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन पुलिस की भी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। बैरिकेड लगाकर पुलिस ने पूरे रास्ते को सील कर दिया है, बंद कर दिया है। बाकायदा पुलिस इस पूरे मार्च की वीडियोग्राफी भी कर रही है, क्योंकि जब भी ऐसे मार्च होते हैं तब कोई ना कोई सांसद, कोई ना कोई व्यक्ति जो मार्च में शामिल होता है वो आरोप लगाता है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, और इसीलिए इस तरीके से पुलिस भी वीडियोग्राफी करती है। साथ साथ पुलिस के जवान हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए। दरअसल दो मुद्दों को लेकर यह पूरा मार्च निकाला जा रहा है। सबसे पहला मुद्दा यह है, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी बनाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर 2 दिन तक संसद पे काम नहीं हो पाया, और अब तीसरा दिन भी मार्च दिखाई दे रहा है संसद से ईडी भवन तक, ईडी ऑफिस तक का। और दूसरी तरफ दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो ईडी को लेकर है कि ईडी जिस तरीके से समन कर रहा है अलग अलग विपक्षी दल के सांसदों को, अलग अलग विपक्षी दल के नेताओं को, उसको लेकर भी ये मार्च निकाला जा रहा है, उसकी भी ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, उसको लेकर भी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, इसके अलावा सत्येंद्र जैन और अब के कविता, इन पूरे मामले में जो सभी लोगों का नाम आ रहा है, ईडी का नाम काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, उसी को लेकर विपक्षी सांसदों का ये पूरा मार्च चल रहा है। पुलिस वहां पर एक अनाउंसमेंट भी कर रही है। अभय, पुलिस वहां पर क्या अनाउंसमेंट कर रही है, क्या उनको रोकने के लिए कोई अनाउंसमेंट है? देखिए बिल्कुल गोनिका, लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की आपको इजाजत नहीं है। तस्वीरों
पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लगातार यहां पर बाकायदा दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के लाउड स्पीकर लगाए हैं और इन स्पीकर के जरिए दिल्ली पुलिस बार बार ये अनाउंस कर रही है विपक्षी दल के नेताओं को कि किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत संसद भवन के बाहर नहीं है, इसीलिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट जाएं। इस तरीके का अनाउंसमेंट यहां पर बार बार किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की मार्च और प्रदर्शन की इजाजत आप लोगों को नहीं है, इसीलिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहां से वापस लौट जाएं। और ये अनाउंसमेंट बार बार लगातार किया जा रहा है और विपक्षी दल के जहां आपको इस वक्त जो तमाम सांसद दिख रहे हैं वो अपनी जगहों पर आकर रुक गए हैं। उनके हाथ में बैनर पोस्टर है जिसमें इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार की बातें लिखी हुई हैं कि उस पर मोदी सरकार चुप क्यों है, इस तरह के बैनर पोस्टर यहां पर हाथों में नजर आ रहे हैं। साथ ही इस तरह के बैनर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं कि घोटाले हैं उनसे सरकार क्यों भाग रही है। अडानी को लेकर भी यहां पर तमाम तरीके के बैनर पोस्टर हाथों में नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें नजर आ रही हैं गौनिका, जहां पर दिल्ली पुलिस ने रोका है विपक्षी दल के नेताओं को, वो लोग रुके भी हुए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर जरूर है, वो अपने बैनर पोस्टर को लेकर अपना एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हाथों में उनके बैनर पोस्टर जो है इस वक्त तमाम जो है वो उन्हें दिखा रही है और यही मकसद भी है। जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं अपना विरोध करना चाहते थे और उसको लेकर ये लोग फिलहाल हालांकि बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तमाम नेताओं को, सांसद हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर मार्च नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर अलाउड नहीं है। और उसी जगह बैरिकेड जहाँ पर नजर आ रहा है उस बैरिकेड से पहले ही तमाम जो यहाँ पर सांसद हैं अलग अलग विपक्षी दलों है वो रुक गए हैं। अपने जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी को लेकर मुद्दा हो, जांच करवाने का, चाहे वो ईडी जिस तरीके से लगातार संबंध रही है विपक्ष के नेताओं को, उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश किसी भी सांसद की तरफ से नहीं की जा रही है। हालांकि पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो इन लोगों को लगातार ये समझा रहे हैं कि पूरे इलाके में धारा 144 है, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। तो फिलहाल तो जो विपक्षी दल के नेता है वो एक जगह खड़े होकर अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दोनों ही मुद्दों पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि मार्च किसी तरह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।